रायबरेली में विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की सारे बाधाओं की स्क्रीनिंग हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का ब्लॉक स्तरीय एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। पुलिस लाइन स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र नगर में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी नगर प्रियंका सिंह ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवेंद्र प्रताप सिंह के निर्देशन में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ है, जिसमें आंगनवाड़ी में काम करने वाली कार्यकर्तियों जो कि छोटे छोटे बच्चों के पढ़ाती हैं, उनको लेकर स्कूल आती हैं। वे सबसे पहले विशिष्ट बच्चों को समझे, बच्चा मानसिक दिव्यांग है या शारीरिक तौर पर दिव्यांग है, उनकी स्क्रीनिंग करना, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना, इसके लिए यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया गया था। इस प्रशिक्षण में शहर में काम करने वाली स्पेशल टीचर सुमन त्रिपाठी, जया मिश्रा व मैडम आशा द्वारा कार्यकर्तियों को ट्रेनिंग दी गई। शहर में जहाँ भी आंगनवाड़ी केंद्र चल रहे हैं, वहाँ से काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को यहाँ पर ट्रेनिंग लेने पहुँची। प्रियंका सिंह ने कहा, सरकार की योजना के आपसी समन्वय से प्री प्राइमरी एजुकेशन से प्राइमरी में शामिल करने की उसका हम प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम में BDPO नगर संध्या श्रीवास्तव, DO बेसिक शिक्षा सुभा त्रिपाठी, श्रीमती शेष बाला प्राचार्य सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। अंशु श्रीवास्तव, जिला क्राइम ब्यूरो, रायबरेली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियंका सिंह है, मैं खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र हूँ और आज यहाँ हमारे नगर संसाधन केंद्र में आंगनबाड़ियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण स्पेशल एजुकेटर्स जो स्पेशल टीचर्स होते हैं उनके द्वारा आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य जो भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं जिनके अंदर शारीरिक बाधाएँ हैं उनकी स्क्रीनिंग करना है, उनको हमें समझना है। उनकी जैसे हमारी जो आंगनबाड़ी कार्य करती हैं छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं, उनको ले आती हैं, तो ये पहले तो पहचाने, कई बार क्या होता है कि हम सामान्य बच्चे और विशिष्ट बच्चों को समझ ही नहीं पाते, तो उनकी स्क्रीनिंग के लिए कि हम कैसे जानेंगे ये बच्चा मानसिक दिव्यांग है कि शारीरिक दिव्यांग है, तो इनकी स्क्रीनिंग करना और फिर उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देना और कैसे दिया जाए, इसके लिए यहाँ पे आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी तीनों जया, सुमन और मैडम जो हैं इन तीनों के द्वारा जो है ये इस ट्रेनिंग को दिया जा रहा है। ये एक दिवसीय प्रशिक्षण था जिसमें हमारे जितने भी कोलोकेटेड आंगनबाड़ी हैं, मतलब जहाँ पे भी प्राथमिक विद्यालयों में आंगनबाड़ी सेंटर्स चल रहे हैं वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आई हैं, और अभी तक हमारे पास CDPO महोदया थी, अभी फिलहाल गई हैं, तो इनके सहयोग से और आपसी समन्वय से जो गवर्नमेंट की स्कीम है प्री प्राइमरी एजुकेशन को प्राइमरी में मर्ज करने की, जोड़ने की, उसके तहत हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं, सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं।